हाय, मैं हूँ राजपाल यादव। एक्सपोज इंडिया की पूरी टीम को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में बढ़ी हुई बिजली की कीमतों को वापस लेने को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव के ठीक बाद प्रदेश सरकार ने बिजली दरों में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे किसानों की कमर टूट गई। ये उत्तर प्रदेश का किसान, मजदूर और छोटे छोटे उपभोक्ता इस बिजली के वृद्धि से, बिजली वृद्धि से बिल्कुल परेशान सा हो गए हैं। हम लोग महामहिम राज्यपाल से ये कहने आए हैं कि जो बिजली का दर बढ़ाया गया है, तत्काल इसको वापस लिया सरकार ने। सपा नेता ने आगे कहा कि ग्रामीण बिजली दरों में 63 से लेकर 150% तक की वृद्धि की गई है और आज के समय में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। गांव में 3 से 4 घंटे बिजली मिल रही है, वो भी कई बार कटौती के बाद। ग्रामीण उपभोक्ता दरों में 63 से लेकर के 150% वृद्धि की गई है। किसानों के कार्यों के लिए 50% वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्रों में अन मीटर्स कनेक्शन के साथ फिक्स चार्ज 50 रुपया से बढ़ा करके 80 रुपया कर दिया गया। मीटर कनेक्शन में प्रति यूनिट चार्ज 20 रुपया से बढ़ा करके 5-50 कर दिया। आज के समय में बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई है। गाँव में 3 घंटे 4 घंटे बिजली, वो भी कई बार कटौती, और इसके बावजूद भी इतना व्यत्यासा वृद्धि, सरकार की मानसिकता हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान सरकार एक तरफ विकास का हवाला दे रही है, वहीं उत्तर प्रदेश का किसान, मजदूर और छोटे उपभोक्ता इस वृद्धि से परेशान हो गए हैं। सपा नेता ने कहा कि यह मुद्दा सदन में भी उठाएंगे, लड़ाई को सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे, जब तक कि बिजली की बढ़ी हुई दरें कम नहीं होती। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने कहा कि जो भी मोदी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता है, उस पर ईडी शिकंजा कसती है। विपक्षी पार्टियों को परेशान करने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। लखनऊ से एक्सपोज इंडिया के लिए आलोक द्विवेदी के साथ शालिनी मौर्य की रिपोर्ट। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।